नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पुरी गुड़गांव से हूँ। सरों की दस्तक कार्यक्रम माय बेस्ट करोके सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मुझे इस कार्यक्रम के लिए दिलीप रैना साहब ने रिकमेंड किया और मैंने व्हाट्सएप पर अपना ऑडिशन दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो वैसे तो मेरी कोई औपचारिक जिसे कहते हैं कि शिक्षा संगीत में ऐसी कोई प्राप्त नहीं है, लेकिन बस अपने शौक से गाता रहा और एक कोशिश है। आज मैं आपके सामने कुछ अपनी प्रस्तुतियां रखने जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। वैसे व्यवसाय से तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन संगीत हमेशा मेरा एक शौक रहा है और मेरे पसंदीदा सिंगर हमेशा किशोर कुमार रहे हैं। और मैं पसंद करने का एक खास कारण था, जब हम बड़े हो रहे थे, बच्चे बचपन से जवानी की तरफ अपना कदम रख रहे थे, तो उनका जो टाइम था वो बिल्कुल पीक पे था और उनका अंदाज, उनका गाने का तरीका, उनकी आवाज़, उनकी यूडलिंग किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं। आप सभी जानते हैं किशोर साहब को, तो उनके गाने सुनते सुनते हम बड़े हुए, बहुत अच्छे लगते थे। तो इसी वजह से अपने गायन शैली में ज़्यादातर मैंने किशोर कुमार साहब के गाने गाए हैं। आज भी मैं आपके सामने सबसे पहले उन्हीं का एक गीत रखूँगा और उसके बाद रफ़ी साहब और हेमंत साहब का भी एक एक गाना आपके सामने पेश कर दूंगा। कभी पास आके लूटा,
जो सितम किए थे तूने मुझे मुस्कुरा के लूटा कभी दूर जाके लूटा कभी पास आके लूटा जो सितम किए थे तूने मुझे मुस्कुरा के लूटा तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो इन धड़कनों से पूछो तुम क्यों दिल है तुम पे दीवाना ना बहार मांगता हूँ ना करार मांगता हूँ मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ ना बहार मांगता हूँ ना करार मांगता हूँ मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो इन धड़कनों से पूछो तुम क्यों दिल है तुम पे दीवाना क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तो अभी जो आपने गीत सुना ये जंगल में मंगल फिल्म से था जिसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और इस गीत के जो बोल लिखे थे वो हसर जयपुरी साहब ने लिखे थे। तो लीजिए अगला गीत जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है मोहम्मद रफी साहब का। गीत के बोल हैं दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। इसे लिखा था रजवी साहब ने और ओपी नैयर साहब ने इसका म्यूजिक किया था। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा मेरी नजरों की तरफ के जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा मेरी नजरों की तरफ दे जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन एक नजर देख ले एक नजर देख ले जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली से मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है इश्क मासूम है इल्जाम लगाने पे न जा मेरी नजरों की तरफ दे जमाने पे न जा। की आवाज भी सुन वक्त इंसान पे वक्त इंसान पे भी कभी आता है राह में छोड़ के साया भी चला जाता है
वक्त इंसान कैसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे, मैं हकीकत हूँ, एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे, दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। जो भी आपने सुना फिल्म हम साया से था, और अगला गीत जो हेमंत दा का गाया हुआ है वो है फिल्म हाउस नंबर 44 से, जिसे साहिर साहब ने लिखा और वर्मन साहब ने, एस टी वर्मन साहब ने उसका संगीत दिया। लीजिए पेशे। अरे ओ आसमान वाले
अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार झोंके दर इधर से भी उधर जाए, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। मैं पद्मिनी आर्ट प्रमोशन को अपना पूरा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका दिया। आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए, जरूर बताइए कि आपको मेरा गाना अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर मेरी कमियां बताएंगे तो मैं उसमें कुछ सुधार करने की जरूर कोशिश करूंगा, और आप इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया है, आप ऑडिशन दे सकते हैं और इस प्रोग्राम को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। नमस्कार।